चरेवति चरेवति अर्थात निरंतर चलते रहो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस मूल मंत्र के साथ डॉक्टर राजीव बिंदल जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर भारत के जाने माने वैद्य समाज सेवी एवं आयुर्वेदाचार्य श्री बाल भूकंद के घर सोलन में 12 जनवरी 1955 को डॉक्टर राजीव बिंदल का जन्म हुआ था। डॉक्टर बिंदल ने सन 1978 में GAMS आयुर्वेदाचार्य की डिग्री हासिल करने के बाद संघ की प्रेरणा से देश के सबसे निर्धन सर्वाधिक पिछड़े हुए वनवासी क्षेत्र में निष्काम सेवा करने का निर्णय लिया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने लगभग 2.5 वर्ष तक झारखंड की हो नामक जनजाति के बीच पहुंचकर निशुल्क चिकित्सालय छात्रावास व अन्य सेवा प्रकल्प चलाकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयास किया। डॉक्टर राजीव बिंदल को सन 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। आपातकाल का विरोध करने के कारण हरियाणा की करनाल जेल में 4.5 माह तक कारावास काटा। आज हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बिंदल ने सन 2000 में सोलन विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। विधायक चुने जाने के बाद डॉक्टर बिंदल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहे। डॉक्टर बिंदल ने नाहन क्षेत्र के लोगों की सड़क पुल स्वास्थ्य पेयजल सिंचाई आदि विकास से संबंधित मांगों को कांग्रेस सरकार से पूरा करवाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने नाहन क्षेत्र की समस्या के प्रति जिला प्रशासन को सचेत करने के लिए नाहन के बड़ा चौक में 3 दिनों तक अनशन किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए कांग्रेस सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ बड़े आंदोलन किए और पदयात्राएं की। हिमाचल के अधिकार छीने जा रहे हैं। वर्ष 2012 में नाहन क्षेत्र से भाजपा विधायक चुनने के बाद कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं ने हर कदम पर डॉक्टर बिंदल के मार्ग में रोड़े अटकाए, किंतु डॉक्टर बिंदल ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिया। डॉक्टर बिंदल 2017 में पुनः 5वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए। नाहन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें शानदार विजय दिलवाई। उन्होंने क्षेत्र के लिए करीब 400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं के प्रारूप तैयार किए, जिनका कार्यान्वयन शीघ्र आरंभ होगा। इसकी क्या लाइफ है बताओ मेरे को। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य का नाहन विधानसभा क्षेत्र और उसके विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं और इसी पहचान के कारण वे नाहन के विकास के लिए समय समय पर केंद्र नेतृत्व से भी मिलते रहते हैं। डॉक्टर बिंदल सरकार और पार्टी स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आगे बढ़ते हुए विधानसभा अध्यक्ष जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए। डॉक्टर राजीव बिंदल की धर्मपत्नी श्रीमती मधु बिंदल MSc बॉटनी गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ कुशल गृहिणी व सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल के सुपुत्र डॉक्टर विवेक बिंदल आज राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक हैं। वर्तमान में वो इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस मेटाबॉलिक एंड बैरियट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में वाइस चेयरमैन के पद पर हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल की पुत्री डॉक्टर स्वाति बिंदल गांधी और उनके दामाद डॉक्टर राजकुमार गांधी आज प्रदेश के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। संगठन के प्रति समर्पण भाव, कुशल व्यवहार,
कर्म को ही पूजा मानने वाले और कार्यकर्ताओं को संगठन का आधार मानने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता एवं प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभाने के बाद विश्व के सबसे बड़े दल के वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का दायित्व सौंपने का फैसला लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से मोदी बने, उन्हीं में से जगत प्रकाश नड्डा और उन्हीं में से जयराम ठाकुर। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं।